नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सतना जिले के जनपद पंचायत रामनगर वितरण केंद्र मर्यादापुर बस स्टैंड मानकीसर ग्राम पंचायत बेलहाय ग्राम तिलमनिहा बिजली विभाग की ओर लापरवाही सामने दिख रही है। सतना सांसद महोदय के निर्देशन के बावजूद भी बिजली की कटौती बंद नहीं हुई है। बिजली विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वितरण केंद्र मर्यादापुर की सप्लाई भगवान भरोसे चल रही है। संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी ग्राम पंचायत बिलहाई ग्राम तिलमनिया लाइट बिजली का सुधार न होने के कारण गांव के लोग परेशान है। वहीं गांव वालों का कहना है कि अगर समय रहते बिजली का लाइट का सुधार नहीं किया गया तो बरसात के मौसम में करंट उतरने की संभावनाएं रहती हैं, जिसे जान माल की खतरा आए दिन बना रहता है। जैसे कि देखने और सुनने के लिए मिलता है कि बिजली विभाग से सही समय से सही काम न होने के कारण यहाँ के ग्रामीण निवासी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कथित तौर पर कहा जाता है कि जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी तब तक विद्युत लाइन में कोई सुधार नहीं होगा। बारिश के मौसम में विद्युत लाइन खुले तौर पर रहने से करंट उतरने की पूरी संभावनाएं रहती है, जिसे जानमाल का खतरा बना रहता है। वैसे तो कहा जाए तो वितरण केंद्र मर्यादापुर में विद्युत विभाग के द्वारा कई ऐसे काम है जो भगवान के भरोसे चल रही है। अभी हाल ही में विद्युत लाइट की कटौती जोर शोर से चल रही है। हमारे सतना जिले के लोकप्रिय सांसद गणेश सिंह जी दादा भाई नए निर्देशन दिए थे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराया जाए, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा सांसद महोदय के आदेशों को चुनौती देते हुए आदेश का पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं बारिश के मौसम में अगर इसी प्रकार विद्युत विभाग की लापरवाही रही तो वह दिन दूर नहीं जो सुनने और देखने के लिए मिलता है कि करंट की चपेट में माल मवेशी और जान माल खतरा से बाहर नहीं है। तस्वीर में स्पष्ट देखने के लिए मिल रहा है कि बिजली विभाग देख तो रही है कि इस जगह खतरा है, लेकिन सुधारने का नाम नहीं ले रही है। वहीं ग्रामीणों का निवेदन है कि ग्राम पंचायत बेलहाई ग्राम तिलमनिहा को विद्युत तार खुले। सतना से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।